Don't. राहुल नाम तो सुना होगा। नहीं सुना, चल काम कर अपना। कौन कम वक्त यहाँ सफाई करने के लिए आए? हम तो यहाँ आए थे स्टार बनने के लिए। कुत्ता बना के रखा हुआ शाहरुख खान बच्चा है मेरे आगे, वो तो एक्टिंग करता है, मैं नेचुरल। आज तो इतनी लेट हो गई हो, ये बंदा पक्का फायर कर देगा मुझे। सर आपने बुलाया था? Yes. हाँ वो मैंने आपको। सर 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 मैं क्या बताऊँ, जैसे मैं घर से निकली काली बिल्ली सामने आ गई और फिर क्या मनहूसियत वहीं से स्टार्ट हो गई। रिक्शा वाले को मैंने हाथ दिया, उसने इग्नोर कर दिया। ऊबर पे पीक लगा हुआ था, टेंशन से मेरा बीपी हाई हो गया। और जब बीपी हाई हो गया मैंने सोचा ऑफिस से पहले मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ। डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे ब्लड टेस्ट दे दिया। सर मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। भाई कौन सुबह जल्दी उठे, मेकअप भी सही ना करे, और वैसे भी बहाने हैं ना। बहानों की तो मैं बल्कि तरन्नुम हूँ, मुंह खोलो जुबान बाद में, पहले बहाने बाहर आते हैं। लेकिन इस दफा तो बहाने मारने का अपना ही नुकसान हो गया। अच्छा, लेकिन मैं तो सोच रहा था तुम्हें थाईलैंड ट्रिप पे डेलीगेशन के साथ। नो 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 सर जी, क्या हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं अभी आप जाएं, मैं किसी और को देखता हूँ। वो तो मैं काम से इंसान, लेकिन प्यार से सब चमचा चमचा बोलते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ तो चौधरी। सर आला सर, कमाल का जोक है सर। लेकिन अभी सुनाया कब है जोक? सर आप सुना रहे हो तो अच्छा ही होगा ना सर, बॉस यू आर द बॉस सर। बॉस का जोक समझ आए ना आए, हंसो। बॉस ने चाहे लंडे के कपड़े पहने हो, तारीफ करो। बॉस क्या तस्वीर लगाई आपने इंस्टाग्राम पे सर, मैंने लाइक किए सर, आपने देखा ना सर, यू विल ब्रेक द इंटरनेट सर। सर आला आला। चमचा वमचा कुछ नहीं होता, उठाना एक आर्ट है। पूरी कंपनी लॉस में हो, चमचे की नौकरी को कभी खतरा नहीं पड़ सकता। सुना है आपके बॉस को निकाला जा रहा है? हाँ तो क्या हुआ, हम अगले बॉस के उठा लेंगे। अरे आप हमारी फिक्र ना करें, चमचा अपनी जगह बना लेता है। मैडम एक पेन दे दें। जी यहाँ पे अपना नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, टाइम और डेट लिख के साइन कर दें। सिर्फ एक पेन ही तो चाहिए। ओ अच्छा, फिर तो आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक घर में जाए बाहर से ले लूंगा। सबको यही लगता है कि एडमिट में फारिग लोग होते हैं। भाई है फारिग, अब शो तो यही करना होता है ना कि काम कर रहे हैं, ऐसे ही उठा कर दे दे, एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। 9 घंटे भी तो गुजारने हैं ना ऑफिस में, फौरन दे दिया तो बाकी का टाइम कैसे गुजारेंगे। बॉस ने काम भेजा शाम तक चाहिए। इतना काम आज मैं रिजाइन कर ही दूंगा, किसी के उठाने से बेहतर है बंदा अपना काम शुरू कर ले। भाई इतनी कम छीनी भाई, आज तो मैं रिजाइन करके रहा, बाहर में जाए ऐसी नौकरी। अबे खोल जल्दी कर वरना रिजाइन कर दूंगा मैं। अरे भाई देना थोड़ी ना होता रिजाइन, बस कहना होता, थोड़ा भरम रहता है, अगला बंदा समझता है पता नहीं क्या तो चीज है, चाहे जेब में फूटी कौड़ी ना हो। ये स्कैन करके ईमेल कर, क्लाइंट का नंबर मिला के फोरन मेरे कमरे में ट्रांसफर करे। तुम क्या वो ग्लासेस लगाए रखती है, स्कैन करके मुझे ईमेल कर देना। तुम्हारी ना याद बहुत अच्छी है कि तुम नखरे नहीं दिखाते सोने की तरह, खामोशी से सारे काम करते हो, वेरी गुड। हेलो मैडम, मैडम इंटरव्यू, हेलो ये सो रही है? हेलो हाँ मेवरान, मेरी पेमेंट का क्या हुआ? बस जी आपकी पेमेंट तैयार है, चेक साइन होना है और सीओ साहब जो है वो इंग्लैंड गए हैं। यार पिछले 2 महीने से टोपिया सुन रहा हूँ मैं। ओ देखें जहाँ 2 महीने इंतजार की है, 2 दिन और मैं कह रहा हूँ आप। हेलो मैं खालिद बोल रहा हूँ, पेमेंट का क्या हुआ? आपकी पेमेंट भी तैयार है सर, बस चेक साइन होना है और सीओ साहब जो है वो इस टाइम दुबई में है। यार कल तो इंग्लैंड का बोल रहे थे तुम। कुछ बड़े लोग हैं, अभी 1 मिनट पहले तक इंग्लैंड में थे, अभी अभी बस दुबई पहुंचे। भाई बहाने बनाने में तो अकाउंट्स वालों की PhD होती है, हम बहाने बना बना के लोगों को इतना इंतज़ार कराते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बल्कि गंजे हो जाते हैं। अकाउंट्स वाले तो मौत के फरिश्ते को भी 1-2 साल वेट करा देते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मज़ा नहीं आ रहा, दोबारा से करते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आ...
मेरे मेरी माँ पहले ही नहीं आ रहा। भाई इतनी मसरूफ हूँ मैं अपनी लाइफ में कि टिकटॉक बनाने का टाइम तो सिर्फ ऑफिस में ही मिलता है मुझे। अब आप खुद देखें, 20,000 मेरी तनख्वाह है, 35,000 मेरा मेकअप पे लग जाता है, और अब दिखाऊं भी ना, 1,00,000 फॉलोअर है मेरे टिकटॉक पर। आई एम हरीम शाह इन द मेकिंग। हाँ बिलाल, क्या कर रहे हो? बस रिसर्च। कौन सी रिसर्च? दिखाओ मुझे रिसर्च, दिखाओ। ये है रिसर्च, कल जो काम दिया था हुआ कि नहीं? फौरन चाहिए मुझे, इट्स अर्जेंट। पागल, घंटा देता हूँ अर्जेंट, मतलब प्रोजेक्ट इस्तेमाल हो ना हो अर्जेंट चाहिए। भाई इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी हो। चलो घंटे दो घंटे में अगर दे भी दूँ तो ये तो इनकी आदत बन जाएगी, फिर तो बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल है। देखो कैसा लटकाता हूँ इनको। कल जो अर्जेंट प्रोजेक्ट दिया था क्या हुआ उसका? मिला नहीं मुझे। जी बॉस, वो वही कर रहा हूँ, बस जो है क्या कहते हैं, मशीन हैंग हो गई थी, रीस्टार्ट किए, बस आपको दे रहा हूँ। बॉस इज ऑलवेज राइट, तो मैं गलत हो ही नहीं सकता, हूँ भी तो किसकी मजाल जो मुझे गलत कहे। हाँ हाँ पता है सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उंगली तो करना पड़ती है ना। अब उधर बीवी घर पे डांटे तो गुस्सा कहीं तो निकालना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? लाइक कौन करेगा? शेयर भी तो करना है, और हाँ कमेंट कौन करेगा? और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मतलब उंगली पे उंगली लगाना मत भूलिए। चलिए अब जाएं।